बैंक कर्मियों की दो दिवसीय हड़ताल के चलते बैंक कर्मचारी व अधिकारी शनिवार को दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। बैंक कर्मियों ने जहां अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, वहीं बैंक कर्मियों की हड़ताल का हिमाचल में भी असर देखने को मिला। बैंकों की हड़ताल के चलते हिमाचल में दो दिन में लगभग 300 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। बैंक कर्मियों की दो दिवसीय हड़ताल के चलते लोगों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन बैंकिंग यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के प्रदेश संयोजक गोपाल शर्मा ने कहा कि कई बार केंद्र सरकार और आईबीए के समक्ष वे अपनी मांगे उठा चुके हैं। साल 2017 से वे वेतन अपडेशन की मांग कर रहे हैं। आईबीए के साथ 24 बैठकें हो चुकी है जो अभी तक बेनतीजा रही है। आईबीए और केंद्र सरकार उनकी मांगों के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाए हुए हैं। मजबूरन बैंक कर्मियों को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है और कार्यालयों को छोड़कर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बैंकों के घाटे में चलने की बात कर रही है, लेकिन बैंक केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही घाटे में चल रहे हैं। केंद्र सरकार एक महीने के भीतर यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो 11 से 13 मार्च को एक बार फिर बैंक कर्मी हड़ताल पर जाएंगे। बावजूद इसके अगर केंद्र सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़िग रही तो मजबूरन बैंक कर्मी 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। केंद्रीय सरकार मुर्दाबाद 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 केंद्रीय सरकार मुर्दाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद। की जिम्मेदार कौन है? सीबीए होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, वरना करनी बननी होगी। जिंदाबाद 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 आवर यूनिटी जिंदाबाद 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 UFBU जिंदाबाद 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 UFBU जिंदाबाद डाउन 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 IBA डाउन 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 हाय 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 बात करो बात करो बात करो सेंट्रल गवर्नमेंट बात करो। पिछले कल हमारा जो डेमोंस्ट्रेशन ऑल ओवर इंडिया रहा है स्ट्राइक को लेकर, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। हमारे सभी जितने भी नेशनलाइज बैंक की जितनी भी हमारी ब्रांचेज हैं, नॉ यूनियन जो हमारे संगठन इकट्ठा हुआ है, सभी बैंक्स की ब्रांचेज बंद रही हैं और हमारा मैसेज जो केंद्रीय सरकार तक पहुंचाना था वो पहुंचा है। जहां तक बात रही हमारे आज की स्ट्राइक की और उसके बाद क्या हमारी नीति रहेगी, उसमें अगर हमारी मांगे, क्योंकि अभी फरवरी का महीना बीच में पूरा है, अगर हमारे इन बिटवीन कोई टॉक्स होती हैं और हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 11-12 मार्च को फिर हम दोबारा 3 दिन की स्ट्राइक पे जाएंगे। और जो फ्यूचर प्रोग्राम हमारा है वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 1/4/2020 के बाद हम इनडेफिनेट स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। और अगर हिमाचल का हम देखें तो टोटल बिजनेस जो इफेक्ट हुआ है वो 250-300 करोड़ के करीब का बिजनेस इफेक्ट हुआ है हमारे चारों डिस्ट्रिक्ट का अगर हम देखें तो। क्या क्योंकि आईबीए जो सरकार का पक्ष रखती है उससे हमारी बातचीत 21-24 हमारी उनके साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं। हर मीटिंग में जो हमने, जैसे पहले भी आप लोगों को बताया गया है कि 1/11/2017 से हमारा जो नेगोशिएशन चल रहा है इस 11th बाइपार्ट सेटलमेंट को सेटल करने के लिए, उसमें हमने डिमांड रखा था कि 20% हमारा इंक्रीज होना चाहिए। वो अभी तक उस चीज़ को लेकर आप समझ सकते हैं कि जो इनिशियल उन्होंने हमें जो ऑफ़र किया था 2% का ऑफ़र किया था, 2 से 4, 6 इस तरह से चल रहा है। बीच में CPC का जब वेज रिवीजन सेंट्रल पे कमीशन द्वारा सेंट्रल एम्प्लॉइज़ का जो वेजेस बढ़े थे, आप उसमें हैरानी की बात है कि उनके 35% और 36% इंक्रीज हुआ है मैक्सिमम, और हमने तो डिमांड सिर्फ 20% किया था। 20% में भी जो कल हमारे आईबीए की जो उन्होंने एक शगुफा छोड़ा है जो इंक्रीज़ का 19% का, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19% जो उन्होंने कैलकुलेशन किया है वो जेन्युइन है ही नहीं। 15% का उन्होंने ऑफ़र दिया था और उस 15% में जो दूसरी हमारी डिमांड्स थी वो कुछ भी नहीं थी, वो मानी नहीं, वो सिर्फ 15% इंक्रीज़ देने के लिए तैयार थे जो हमें माने नहीं था। और उसमें जो 4% जोड़ रहे हैं वो PLI जो हमारा इंसेंटिव जो रहेगा उसको लेकर, इंसेंटिव को लेकर हमने पहले ही मना कर दिया है कि हम इंसेंटिव नहीं लेना चाहेंगे। और उसके अलावा जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात या ब्रांचेज जो बैंक्स हैं हमारे डिफरेंट, उसमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो जब बैंक कोई प्रॉफिट
लेता है और अपने 31 मार्च की डेट में वो अपने बैलेंस शीट डिक्लेयर करते हैं, जो प्रॉफिट हो तो आरबीआई को जाता है। अब अगर कोई लॉस हो रहा है बैंक्स को तो पैसा तो सरकार ही देगी उसमें, और जहां तक आरबीआई की बात रही है वो 5 डेज शुरू से ही उसमें 5 डेज हैं, उनके हर जो नेगोशिएशन होता है वेज का, चाहे उनके अपने पेंशन का, अपडेशन का, वो अलग से और बहुत पहले हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सीपीसी आने से पहले ही उनका हो चुका है। तो ये कुछ इस तरह के रीज़न हैं जो हम केंद्रीय सरकार और आईबीआई के पास रख रहे हैं, वो हमारी बातें नहीं मान रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो लॉस में जा रहा है, पैसा कहाँ से आएगा। तो हम ये केंद्रीय सरकार से पूछना चाहेंगे कि ये जो लॉसेस हो रहे हैं इसका मेन कारण क्या है। हम तो ये समझते हैं कि जो केंद्रीय सरकार की नीतियाँ हैं, जो उनकी प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, वो सारे फेलर हैं। अगर उनके ये स्कीम्स फेलर हैं और उनके प्रोग्राम्स फेलर हैं तो वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपने बैंक्स को स्ट्रेंथ करें। इकॉनमी, किसी भी देश की इकॉनमी वैसी ही है,